हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली क्लास फिफ्थ रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2022 की है। ये वीक 6 की वर्कशीट है। वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर माई पैट मिट्टू द पैरट। बच्चों, क्या आपको मेरा पैट मिट्टू याद है, जो कि एक तोता है। येस, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम एंड हिज एडवेंचरस जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। हाँ, हम कैसे मिट्टू और उसकी अफ्रीका के जंगलों की एडवेंचरस जर्नी को भूल सकते हैं। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स बिलो टू नो मोर अबाउट हिज फन फील्ड डेज इन अफ्रीका। आओ नीचे दी गई पिक्चर्स को देखते हैं और उसके अफ्रीका में बिताए गए मज़ेदार दिनों के बारे में जानने के लिए चलिए नीचे दी गई पिक्चर्स को देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली पिक्चर दी गई है। यहाँ लिखा है, मिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स वर enjoying देयर स्टे इन अफ्रीका एंड एवरी डे वॉज एन एडवेंचर फॉर them। मिट्टू और उसके दोस्त अफ्रीका में अपना स्टे enjoy कर रहे थे और उनका प्रत्येक दिन एडवेंचर था। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा है, द बर्थडे ऑफ मोंटू द मंकी वॉज कमिंग अप एंड ऑल द फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट इट। जो मोंटू मंकी था, उसका जन्मदिन आने वाला था और सभी उसको लेकर के बहुत एक्साइटेड थे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। यहाँ लिखा है, ऑल द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गिव हिम अ सरप्राइज गिफ्ट। सभी दोस्तों ने मोंटू को सरप्राइज गिफ्ट देने का फैसला किया। टिक टिक द कैमलियन wanted to give him a toy made of waste plastic as a gift. Tick tick Girgit Montu को waste plastic से बना हुआ एक खिलौना देना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next आप देख सकते हैं यहाँ picture में, Henry the hippo wanted to gift him a water bottle. जो Henry hippo था, वह Montu को पानी की बोतल देना चाहता था। मिट्टू सजेस्टेड दे शुड मेक समथिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर। मिट्टू ने सजेस्ट किया कि उन्हें नदी से निकले प्लास्टिक वेस्ट से कुछ बनाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, सो द फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर। तो सभी दोस्त फिर कहाँ गए, नदी पर गए। एंड कलेक्टेड प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट लाइंग ऑन द रिवर साइड। जो नदी किनारे प्लास्टिक वेस्ट का ढेर पड़ा था, उसमें से प्लास्टिक इकट्ठी करके प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आए। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, ऑल द फ्रेंड्स मेड अ ब्यूटिफुल थिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स। सभी दोस्तों ने प्लास्टिक की बॉटल से बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई। टिक टिक द कैमलियन मेड अ वेरी ब्यूटिफुल लैम्प शेड आउट ऑफ अ बॉटल। जो टिक टिक कैमलियन गिरगिट था, उसने प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल से एक बहुत ही खूबसूरत लैम्प शेड बनाया। मोंटू वॉज सो हैप्पी टू रिसीव ऑल द गिफ्ट्स। मोंटू सभी गिफ्ट्स को पाकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर हमने मिट्टू पैरट की अफ्रीका के जंगलों की जर्नी के बारे में जाना कि उसने वहाँ अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार मज़ेदार दिन बिताया। चलिए अब कहानी को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इनका आंसर लिखते हैं। ए, व्हाट डू यू थिंक द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेड आउट ऑफ द प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो यहाँ पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि बाकी के दोस्तों ने प्लास्टिक की वाटर बॉटल से क्या बनाया होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऑल द फ्रेंड्स मेड ब्यूटिफुल थिंग्स आउट ऑफ द प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। टिक टिक द कैमेलियन मेड अ वेरी ब्यूटिफुल लैम्प शेड आउट ऑफ अ बॉटल। सभी दोस्तों ने प्लास्टिक की वाटर बॉटल से
खूबसूरत चीज़ें बनाई होंगी। जो टिक टिक कैमेलियन था, गिरगिट था, उसने प्लास्टिक की बोतल से बहुत खूबसूरत लैम्प शेड बनाया था। बी, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी गार्बेज लाइंग अराउंड इन योर नेबरहुड? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपने आस पड़ोस में कचरा फैला हुआ देखते हैं? तो सभी बच्चे इसके बारे में लिखेंगे, उन्हें कैसा लगता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, When I see garbage lying around in my neighborhood, I feel very bad. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सी, राइट एनी थ्री स्टेप्स दैट यू एज ए चाइल्ड कैन डू। आपको तीन स्टेप्स लिखने हैं जो कि आप एज ए चाइल्ड कर सकते हैं। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इन योर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए। इन योर नोटबुक्स, आपको अपनी नोटबुक में कोई भी थ्री स्टेप्स लिखने हैं जिससे आप अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, द थ्री स्टेप्स दैट एज अ चाइल्ड आई कैन डू आर एज फॉलोइंग्स। फर्स्ट, आई कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। पहला है कि मैं प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग कम कर सकता हूँ। सेकेंड, आई कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन, मैं उसे बार बार प्रयोग कर सकता हूँ। और थर्ड, आई कैन रिसाइकल इट एज अ फ्लावर पॉट, बर्ड फीडर, प्लांट एक्सेट्रा, और मैं उसे रिसाइकल कर सकता हूँ, उसका पुनर्चक्रण कर सकता हूँ, उसका गमला बनाकर, बर्ड फीडर बनाकर या प्लांटर बनाकर। तो आप इसी प्रकार प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ कम करने के लिए अपने द्वारा सुझाए गए कोई भी थ्री स्टेप्स यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।